आज 11 जून है। 11 जून भारतीय इतिहास में, भारत माता और भारत देश के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन 1897 में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में हमें पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, और मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे 2005 में जब पहली बार मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में योग शिक्षक शिविर में आया तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का चित्र देखा और उनके बारे में जानकारी मिली। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी कौन थे, कितने बड़े क्रांतिकारी थे, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल साधारण किसान परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म भी साधारण किसान परिवार में हुआ। वह अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे, वह एक शायर थे, एक अनुवादक थे, एक लेखक थे, एक साहित्यकार थे, एक इतिहासकार थे, एक कवि थे, कई भाषाओं को जानने वाले थे। वो अध्ययनशील, चिंतनशील और मननशील क्रांतिकारी थे। उनके मन में आजादी के बाद भारत का की व्यवस्थाएं कैसी हों उसके लेकर बहुत बड़ा सपना था। वह खुद एक योगी थे, एक संत थे, अंदर से एक सन्यासी थे, लेकिन उस समय आवश्यकता थी संघर्ष करने की, तो उन्होंने सन्यास ना लेकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल वो थे जिन्होंने कलम और पिस्तौल दोनों को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के आंदोलन की नींव डाली। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा लीजिए। पाठ्य पुस्तकों में हमें पढ़ाया नहीं जाता है, तुर्की एक देश है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, यूरेशिया का एक देश बोला जाता है। उस तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा नाम के क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने उसी समय 1930 के दशक में तुर्की को आजाद करवाया और वहां पर परिवर्तन किए। वो मुस्तफा कमाल पाशा, जिनको तुर्की का फादर कहा जाता है, जो खुद एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने संघर्ष किया और तुर्की को ऊपर उठाया, उन्होंने अपने तुर्की में एक नया शहर बसाया तो उस शहर का नाम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के नाम पर बिस्मिल रखा। आप चाहें तो नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे महान सेनापति, और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितना महान था, आप अंदाजा लगा लीजिए। जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया और जब उनको जेल में रखा गया, तो उस समय जितने जेलर होते थे, जितने जज होते थे, जितने अंग्रेजों के बड़े अफसर होते थे, वो सब अंग्रेज होते थे और उन्हीं के बल पर भारत में अंग्रेज राज करते थे। तो उस जेल के जेलर ने कहा कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की समझ, इनकी शक्ति, इनकी सोच और विचार का लेवल इतना बड़ा है कि ये यदि गुलाम भारत में ना होकर अगर ये ब्रिटिश राज्य में पैदा होते, ब्रिटेन में पैदा होते, तो ब्रिटेन जिसका लगभग 100 से अधिक देशों में शासन था उसके सेना अध्यक्ष होते, इतना बड़ा चरित्र पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का है। ये एक अंग्रेज की कोटेशन है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका चरित्र इतना बड़ा रहा हो, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की हो, उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। एक हमारे लेखक हैं जिन्होंने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर बहुत शोध किया, वो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म भी शाहजहांपुर में हुआ। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर उन्होंने खूब शोध किया। खूब शोध करने के बाद उन्होंने अपनी 3 पुस्तकें लिखी हैं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के जीवन के एक एक शब्द को उन्होंने सहेजा है। उन्होंने शोध करते हुए, उनके जीवन का दर्शन करते हुए, उनके विचारों को समझते हुए, अभी वो लगभग 8 वर्ष पहले पतंजलि योगपीठ में आए और उन्होंने कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन दर्शन और पतंजलि की सेवाओं को देखते हुए वो बार बार कहते हैं, फोन के ऊपर मेरी लगातार उनसे बातचीत चलती रहती है जब शहीदों की, क्रांतिकारियों की बात चलती है, क्योंकि वो भी क्रांतिकारियों को जीते हैं। उन्होंने जो अपना पूजा घर बनाया हुआ है उसमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का, शहीद भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाया हुआ है, वो भगवान की जगह उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसा व्यक्तित्व यदि किसी में दिखाई देता है तो वो पूज्य स्वामी जी महाराज में दिखाई देता है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखा था, जैसा भारत बनाने का सपना देखा था, वैसा भारत बनाने का काम आजादी के 70 सालों बाद यदि कोई संस्था कर रही है तो वो आपकी संस्था, आपका पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जीवन कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उनकी व्यवस्थाएं कैसी थी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में एक गरीब किसान के घर में उनका जन्म हुआ। संघर्ष उन्होंने खूब देखे। उनके दादाजी
ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर का ये चंबल का जो इलाका है ये विद्रोही इलाका है और यहाँ से अंग्रेज भी घबराते थे, अंग्रेजों को लगान नहीं देते थे, अंग्रेजों को भी परेशान करते थे। और अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया, क्योंकि वो विद्रोही स्वभाव के थे, इसलिए आज़ादी के बाद भी वहाँ पर विद्रोही स्वभाव रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पूर्वज वहीं के रहने वाले थे। बाद में वो शाहजहांपुर आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनके दादाजी उनके पिताजी ने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर वहाँ पर अपनी एक व्यवस्था बनाई, अपना एक समाज में ऊंचा रसूख हासिल किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भगत सिंह क्या कहते हैं, शहीद भगत सिंह, उनकी शहादत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बाद हुई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को शहीद भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी लीडर थे, उनके नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब क्रांति का काम करते थे। तो शहीद भगत सिंह के भी जो गुरु हैं, आप अंदाजा लगाइए कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा। शहीद भगत सिंह के बारे में तो आज हम थोड़ा बहुत जानते हैं, यद्यपि पाठ्य पुस्तकों में तो आज भी चंद्रशेखर आजाद को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को या तो उग्रवादी कहा जाता है या आतंकवादी कहा जाता है। पतंजलि योगपीठ ने एक संकल्प और लिया है कि पतंजलि योगपीठ शिक्षा की व्यवस्था का भी शुद्धिकरण करेगा, जिसमें इन हमारे आदर्श महापुरुषों की जीवनियों को शामिल किया जाएगा। और जब तक वो परिवर्तन होता है, तब तक हम पतंजलि योगपीठ के इस मंच से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के बच्चे बच्चे को बताएंगे कि हमें आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी को हम बचाकर कैसे रख सकते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में भगत सिंह कहते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बड़े होनहार नौजवान थे, वह गजब के शायर थे, देखने में भी वह बहुत सुंदर थे, उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, नेतृत्व के अद्भुत गुण उनके अंदर थे। किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य युवा को चलते चलते क्रांतिकारी बनाना उनके दाएं हाथ का खेल था। 10 मिनट वो किसी के साथ बैठे तो उसको सामान्य युवा से क्रांतिकारी युवा बना दे, ऐसा व्यक्तित्व उनका था। शहीद भगत सिंह भी कहते हैं, उस अंग्रेज जेलर की बात के ऊपर मोहर लगाते हुए कहते हैं कि यदि किसी और जगह और किसी और देश में, किसी और समय में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसा व्यक्तित्व पैदा हुआ होता तो वो किसी देश का राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष होता। भगत सिंह आगे कहते हैं कि आपको पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया है, आप चाहे बहुत, आपको विलायत में जाकर पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये जो काकोरी कांड हुआ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के खिलाफ जो मुकदमा लड़ा गया, उसमें सरकारी वकील के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले मुल्ला जगत नारायण थे, उन्होंने ये मुकदमा लड़ा था, उनको 1,00,000 रुपए उसके लिए मिले थे और उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि ये जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने काकोरी का कांड किया वो कोई भी छूटे नहीं, कोई भी बचे नहीं। तो भगत सिंह लिखते हैं कि जगत नारायण मुल्ला जो जवाहरलाल नेहरू के सगे साले हैं, वो तो वकालत विदेश में पढ़ के आए हैं, लंदन में पढ़ के आए हैं। जब वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कोर्ट में बहस करते थे तो उस पंडित जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील था उसको भी चुप करवा देते थे, उसकी सुध बुध भुला देते थे, ऐसा शहीद भगत सिंह लिखते हैं। चीफ कोर्ट में उन्होंने अपनी अपील खुद लिखी और जिसको देखकर जजों को कहना पड़ा कि ये अपील किसी सामान्य कैदी की लिखी हुई नहीं है, क्रांतिकारी की लिखी हुई नहीं है, ये किसी वकालत के बहुत बड़े जानकार की लिखी हुई है। तो ऐसा व्यक्तित्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी था का था, ये हमने भगत सिंह के शब्दों में उनके देखा। उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो बहुत बड़ा अनुशासित था, वो व्यक्तिगत जीवन में नित्य प्रति उनका संकल्प था कि नित्य प्रति मुझे योग करना है, मुझे प्राणायाम करना है, नित्य प्रति मुझे यज्ञ करना है, मुझे हवन करना है और उसके बाद अपना पूरा समय क्रांति के काम के लिए देना है, क्रांति के काम के प्रचार प्रसार के लिए देना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्या किया, उनके जीवन में जो उन्होंने काकोरी कांड किया और काकोरी कांड के बाद जो नौजवानों को जोड़ा और उसके बाद जब उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा तो पूरे भारत को अंग्रेजों के लिए उन्होंने एक लाक्षाग्रह बना दिया। लाक्षाग्रह मतलब जिसके अंदर बैठे हैं तो ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं कि कब ज्वालामुखी फट जाए, कब लाक्षाग्रह में आग लग जाए और बाहर निकलकर जान बचाने का भी समय ना मिले, ऐसा भारत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। तो आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिवस है, सरकारें उनकी जयंती नहीं मनाएंगी, उनके बारे में चिंतन मनन और पढ़ा नहीं जाएगा, हम उनके बारे में बात करेंगे, हम उनको मनन उनके याद करेंगे। उनका बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो 4-5 साल के थे तो एक ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और हाथ देखकर कहा कि ये जो बच्चा है ये बहुत भाग्यशाली है, अगर ये जीवित बच गया
तो ये किसी देश का सम्राट बन सकता है, किसी देश का राजा बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इसके जीवित बचने के चांसेज बहुत कम हैं। फिर गांव में जैसा होता है उन्होंने टोटके करवाए, क्योंकि उनका जो पिताजी का परिवार है वो सनातनी परिवार था, तो वो उन्होंने टोटके करवाए, खरगोश को मंगवाया, उनको कुछ टोटके करवाए उनकी माताजी ने, दादी जी ने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने 30 वर्ष की आयु तक जीवन जिया, 30 वर्ष की आयु में उनका 11 वर्ष का जीवन पूरा क्रांतिकारी जीवन था। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने महसूस कर लिया था कि संकल्प ले लिया था कि मुझे अपना पूरा जीवन अंग्रेजों को देश के बाहर निकालने में ही बिताना है। चंद्रशेखर आजाद जी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथी थे, उन्होंने काकोरी का कांड किया। आप पुस्तकों में पढ़ते हैं ना काकोरी कांड, तो काकोरी कांड कहा जाता है, मैं उसको कहता हूं वो काकोरी का शौर्य दिवस था, वो काकोरी की बहादुरी की घटना थी, उसको कांड कहना उसका अपमान है। तो काकोरी का जो शौर्य का जो उन्होंने कारनामा किया, उसमें केवल 8,000 रुपये उन्होंने लूटे थे। उन्होंने काकोरी में जो अंग्रेजों की ट्रेन लूटी, उसमें केवल 8,000 रुपये की डकैती हुई थी। केवल एक व्यक्ति मारा गया था, और वो जो मारा गया था वो कोई अंग्रेज नहीं था। इस 8,000 रुपए के लूट के लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी पुलिस उनके पीछे लगा दी, क्योंकि ये डकैती अपने आप में एक बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ये सोचकर बैठे हुए थे कि अब हमें भारत से कोई नहीं हटा सकता। विश्व युद्ध के बाद उन्होंने रोलेट एक्ट जैसे कानून बना दिए थे। 1919 में उन्होंने जलियांवाला कांड किया, जिसने भी आवाज उठाई उसको दबा दिया गया। तो इस डकैती ने अंग्रेजों की चूले हिला दी, और उस 8,000 रुपए की डकैती के ऊपर लोगों को पकड़ने के लिए, उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए अंग्रेजों ने 10,00,000 रुपए खर्च किए, और उस समय जो सोने का भाव होता था वो 20 रुपए तोला होता था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 8,000 रुपए की रिकवरी के लिए, उसके लिए उन्होंने आज के समय की यदि हम बात करें तो लगभग 70 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किया वो कितना बड़ा क्रांतिकारी था, उससे अंग्रेज कितने डरे हुए थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्धांतों के प्रति बहुत दृढ़ थे। उनके अंदर एक सैनिक और एक संत, एक योगी एक योद्धा, एक संत एक सिपाही, इन दोनों के गुण थे। वो रोज योगाभ्यास करते थे। आज हम देखते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर दोनों के गुण हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज योगी भी हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज योद्धा भी हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज संत भी हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज सैनिक भी हैं, सिपाही भी हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी का नाम श्री मुरलीधर जी था, उनके दादाजी का नाम श्री नारायण लाल जी था, और वह मूल रूप से पंडित नहीं थे। उनका जो परिवार था मूल रूप से राजपूत परिवार था, लेकिन उनको पंडित इसलिए कहा जाता था कि वो वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, यज्ञ के, हवन के, योग के, और उनका जीवन इतना पवित्र था कि उनको पंडित कहा जाता था। मूल रूप से वो ब्राह्मण नहीं थे। वो खुद भी कभी जाति पाति को नहीं मानते थे। वो बार बार यही कहते थे कि हमें जातियों में अपने देश को नहीं बांटना, अपने मजहब में देश को नहीं बांटना, क्षेत्र में देश को नहीं बांटना। पतंजलि योगपीठ में भी किसी भी प्रकार से जाति पाति को प्रश्रय नहीं दिया जाता, किसी भी व्यक्ति की जाति पूछी नहीं जाती, वर्ग मत पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जब बचपन में थे तो उनके घर में उर्दू का शिक्षक उनको पढ़ाने के लिए आता था। वो बचपन में पढ़ाई करते थे। बचपन में पढ़ाई करते करते उनकी संगत, कुछ बुरी संगत आई। मिडल की जब परीक्षा थी 14 वर्ष की आयु में 1911 में उनकी संगत बिगड़ गई। तो उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया, और वो रोज एक एक दिन में 50 से 60 सिगरेट पी जाते थे। जैसा सोसाइटी में होता है, समझ थी नहीं, तो 50 से 60 सिगरेट पीते थे, पूरे दिन उपन्यास पढ़ते थे। उनका जीवन एक तरीके से गलत जीवन बन गया था, दूषित जीवन बन गया था। तो उनके जीवन में आर्य समाज का प्रवेश हुआ। उनको एक महात्मा मिले, पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज। पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज के जब वो संपर्क में आए 14 वर्ष की आयु में, तो उनके संपर्क में आते ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश उनको पढ़ने के लिए दी। सत्यार्थ प्रकाश को जब उन्होंने पढ़ा तो उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आया, और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने सिगरेट और
उपन्यास पढ़ना तो दूर की बात है, उन्होंने उबला भोजन करना शुरू कर दिया, रात का भोजन बंद कर दिया, नमक खाना बंद कर दिया, जनेऊ धारण कर लिया, रोज हवन करना शुरू कर दिया, रोज आर्य समाज में जाना शुरू कर दिया, रोज योग करना शुरू कर दिया, रोज प्राणायाम करना शुरू कर दिया, रोज दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया, और 14 वर्ष की आयु में जो उन्होंने संकल्प लिए, वो चाहे योग का संकल्प था या यज्ञ का संकल्प था, जिस दिन उनको फांसी लगाई गई, उस दिन सुबह जब एक सिपाही जाता है और वो तो देखता है कि वो फांसी के काल कोठी के अंदर भी 1 घंटे बाद फांसी देने वाली है, लेकिन उस समय भी वो दंड लगा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि अब तो ये शरीर खत्म होने वाला है, अब दंड लगाने का लाभ क्या है, अब योग प्राणायाम करने का लाभ क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का संकल्प देखिए कि उन्होंने उस समय कहा कि मैं, ये मेरा संस्कार और संकल्प है कि जब तक अंतिम सांस रहेगी मैं रोज योग करूंगा, व्यायाम करूंगा, और ये शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये संस्कार खत्म नहीं होंगे, मैं अगली बार जब भारत माता की गोद में दोबारा जन्म लूंगा तो और मजबूत शरीर लेकर जन्म लूं, ताकि अंग्रेजों से फिर मैं संघर्ष कर पाऊं। तो ये उनका योग और यज्ञ का संकल्प था। तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। 14 वर्ष की उम्र में उनका लिया हुआ संकल्प उन्होंने 30 वर्ष की आयु तक फांसी के फंदे को चूमने से पहले तक उन्होंने निभाया। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज को आज हम देखते हैं। तो आज के अध्यात्म जगत के जितने बड़े नाम हैं उसमें पूज्य स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा दिखता है जिन्होंने सन्यास को नया गौरव और नई गरिमा दी है, जिनका जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसा जीवन है। अब 1916 में क्या हुआ, 1916 में भाई परमानंद नाम के क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी, और 1919 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने और अत्याचार करने शुरू कर दिए। महात्मा गांधी अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर सिपाहियों की भर्ती करवा रहे हैं कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों को हम सिपाही देंगे, नौजवान देंगे, तो विश्व युद्ध के बाद वो हमें आजाद कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों की आजाद कराने की कोई योजना नहीं थी। तो 1916 में ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने संकल्प ले लिया कि मैं अपना पूरा जीवन क्रांतिकारी कार्यों के लिए लगाऊंगा और पूरा जीवन अंग्रेजों से संघर्ष करूंगा। 19 वर्ष की अवस्था में जो उन्होंने संकल्प लिया वो 30 वर्ष की अवस्था तक लगातार उसको निभाते रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का और बड़ा योगदान क्या है, महात्मा गांधी ने जो 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया उसको करने के लिए महात्मा गांधी तैयार नहीं थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी पहले कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, सारे कार्यकर्ता सारे हमारे देशभक्त, क्योंकि एक संस्था केवल कांग्रेस थी तो कांग्रेस में रहते थे। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1919 में जलियांवाला कांड हो चुका था, तो 1921 में जब वो उस अधिवेशन में गए तो उस अधिवेशन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया और उन्होंने अपने नौजवानों को साथ लेकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करवा के गांधी जी के ऊपर दबाव दिलवाया कि वो असहयोग आंदोलन शुरू करें, क्योंकि जब तक अंग्रेजों को पूर्ण असहयोग नहीं किया जाएगा तब तक अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं है। असहयोग आंदोलन शुरू करवाया गया, चोरा चोरी की एक घटना हुई, कुछ 20-22 पुलिस वालों को क्रांतिकारियों ने थाने के अंदर जला दिया। गांधी जी ने उससे द्रवित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब कांग्रेस को तो उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की तरह बनाया था कि जब कोई क्रांतिकारियों का प्रेशर आए तो उसको रिलीज कर दिया जाए। 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज अपने भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, जो इटावा में कलेक्टर के रूप में काम करता था। तो जो असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया, गांधी जी उनके उनके किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपनी अलग विचारधारा बनाई जिसको आज कहा जाता है गरम दल और नरम दल की विचारधारा। तो गरम दल की स्थापना में लाला लाजपत राय के साथ साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब उन्होंने देख लिया कि ये कांग्रेस से देश का भला नहीं हो सकता तो उन्होंने कहा कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, अलग संविधान बनाएंगे, तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, उसका संविधान बनाया। आज भी वो संविधान इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। जब उस संविधान को हम पढ़ते हैं, एचआरए का जो पीले रंग का जो उन्होंने 4 पेज का पत्रक बनाया, जो संविधान बनाया, आज भी जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस जो हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद भगत सिंह ने जो संविधान बनाया उसके सपनों का भारत आज तक नहीं बना है।
वो जो शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, वो जो अर्थव्यवस्था चाहते थे, वो जो कृषि व्यवस्था चाहते थे, वो जो कानून व्यवस्था चाहते थे, वैसी व्यवस्थाएं आज भी अपने भारत में नहीं बन पाई हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2009 में व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को लेकर भारत स्वाभिमान की स्थापना की। पहले योग को स्थापित किया, आयुर्वेद को स्थापित किया। आयुर्वेद और योग की क्रांति के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था परिवर्तन का एक कदम माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सत्ता परिवर्तन में अपना विशेष योगदान दिया। 2010-11 में जहां भ्रष्टाचार पूरे देश में समाया हुआ था, लाखों करोड़ के घोटाले होते थे, तो ऐसा लगता था कि ये तो सब नॉर्मल है, ये तो सामान्य है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2011 में भ्रष्टाचार और काले धन को मुद्दा बनाया। 2014 में चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि देश में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो उसी व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि योगपीठ लगा हुआ है। और अब पतंजलि योगपीठ का योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, सत्ता परिवर्तन की क्रांति, और सत्ता परिवर्तन के बाद जो स्वदेशी की हमने क्रांति की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का भजन, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार उसको गाते हैं। और केवल गाते नहीं, उसको जीते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में 16 लाख कंपनियां हैं। 16 लाख कंपनियों में से कोई एक कंपनी यदि कोई है जिसका संकल्प है कि हमारा 100% मुनाफा केवल चैरिटी के लिए है, तो वो आपकी संस्था, आपकी कंपनी पतंजलि है। तो हमारे शहीदों का सपना क्या था कि हम देश में उद्योग ऐसे लगाएं जिसका मालिकाना हक ऐसे लोगों के पास हो जो उससे चैरिटी का काम करें, जो उससे सेवा का काम करें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये रूस से बहुत प्रभावित थे। अगर हम कहें तो कम्युनिस्टों से बहुत प्रभावित थे। वो आस्तिक थे, भगवान को मानते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि पूंजीपति हमारे देश के ऊपर शासन ना करें। पूज्य स्वामी जी महाराज को भी आज हम अगर सुनते हैं तो वो सारी बातें साम्यवाद की करते हैं, लेकिन साम्यवाद के नाम पर, समानता के नाम पर जो विदेशी लोग हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं उसको स्वीकार नहीं करते। तो जो भारतीय साम्यवाद है, भारतीय समानता का अधिकार है, जो हमारे वेद में, दर्शन में, उपनिषद है, उसका पालन करने का काम आपकी संस्था, आपकी पतंजलि योगपीठ कर रही है, जिसका संकल्प है कि हम जो कमाएंगे वो 100% चैरिटी में लगाएंगे। और स्वदेशी की क्रांति के बाद अभी आगे आने वाले समय में पतंजलि का उद्देश्य है कि पतंजलि योगपीठ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की जाएगी, ताकि हमारे पूर्वजों और महापुरुषों का गौरव, मूल्यों के साथ हम शिक्षा दे सकें। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार 5 सालों से लगे हुए हैं। और अब पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि की इच्छा है, संकल्प है, और यह निर्णय किया है कि हम पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, ताकि हम भारत को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा दे सके। गांधी जी इन सारे क्रांतिकारियों को क्या कहते थे? हुल्लड़बाज कहते थे, हुल्लड़बाज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। तो उन्होंने एचआरए का संविधान बनाया, और उस संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसको जो लिखने वाला व्यक्ति है वो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति है, बहुत चिंतनशील व्यक्ति है। और ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, ये कोई ऐसे वैसे युवा नहीं थे, अंग्रेजी के पूरे जानकार थे। उनके साथी शहीद भगत सिंह की हम बात करें तो शहीद भगत सिंह का चिंतन का लेवल, उनकी जेल की नोटबुक आज भी अवेलेबल है। वो उनके बारे में जो शोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि शहीद भगत सिंह पुस्तकें पढ़ते नहीं थे, निगलते थे, एक दिन में 2-2 पुस्तकें पढ़ लेते थे। वो लगभग 200 दिन जेल में रहे और 200 दिन में उन्होंने बाहर से 400 पुस्तकें मंगवाकर पढ़ी। तो इतने अध्ययनशील और इतने विवेकशील हमारे क्रांतिकारी थे। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लाला हरदयाल जी से भी, जो बाहर विदेशों में रहकर क्रांति के लिए काम कर रहे थे, उनके संपर्क से नया संविधान बनाया कि क्रांतिकारी क्या चाहते हैं, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत क्या है। बंगाल के क्रांतिकारियों से उन्होंने संबंध स्थापित किया, पूरे भारत के क्रांतिकारियों से संबंध स्थापित करके उन्होंने अपना क्रांतिकारियों का दल शुरू किया, नौजवान भारत सभा के नाम से, मातृवेदी के नाम से, और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से उन्होंने संगठन शुरू किया। बाद में उसके अंदर सोशलिस्ट शब्द और जोड़ा गया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का प्रभाव देखिए, शाहजहांपुर में अशफाक उल्ला खां का नाम का एक मुसलमान युवा और रहता था। उस मुसलमान युवा को भी शायरी करने का शौक था, उसको उन्होंने
करतार सिंह सराभा की जीवनी देकर, कन्हाई लाल की जीवनी देकर, 1857 की क्रांति के बारे में बात बताकर कट्टर राष्ट्रवादी बना दिया। अशफाकुल्ला खां ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। अशफाकुल्ला खां पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ आर्य समाज में जाता था, दोनों एक थाली में खाना खाते थे। दो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जो लोग बहकावे से मुसलमान बन गए थे, उनके शुद्धिकरण का अभियान भी चलाते थे, और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का प्रभाव कितना था, प्रेम कितना करते थे। दल का हर व्यक्ति ये सोचता था कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अपना खाना दूसरे को दे देना, अपने कपड़े दूसरे को दे देना, खुद के पैर में चाहे जूता या चप्पल ना हो लेकिन अपने दल के साथी के लिए जूते चप्पल की व्यवस्था करना, खुद के खाने के लिए सत्तू नहीं है लेकिन अपने दल के साथी ने दवाई ली या नहीं ली, खाना खाया या नहीं खाया, उनके परिवार में कोई समस्या है तो उसका चिंतन करना, ऐसा नेतृत्व पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। आज हम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी देखते हैं तो संस्था में हमारे जितने दानदाता आए हुए हैं, जितने लोग अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं, तो सबके मन में एक ही विचार आता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो नेतृत्व के अंदर ये गुण होना ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा गुण या तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के पास था या पूज्य स्वामी जी महाराज के पास था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा गाँव जहां पर सड़क नहीं जाती, सैद अलीपुर, जहां के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी, जो ऊपर हवाई जहाज जाता है तो चील गाड़ी, उसको चील जैसा कोई पक्षी समझते हो, उस गांव में जन्म लिया, कोई संसाधन नहीं, संकल्प के बल पर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, जीवन में परिवर्तन हुआ, जबरदस्ती गुरुकुल में, गुरुकुल वाले लेने के लिए तैयार नहीं, जबरदस्ती गुरुकुल में गए और योग को दुनिया के 200 देशों में पहुंचाया, आज भारत की संन्यास परंपरा को गौरव दिया, तो वो केवल संकल्प के बल पर संभव है। जैसा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का संकल्प था वैसा ही पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है, और हम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में रहते हुए देखते हैं कि एक बार जो ठान लेते हैं उसको करके मानते हैं, कभी भी कदम को पीछे नहीं हटाते। तो एक बार अशफाकुल्ला खां बेहोश हो गए, तो जब वो बेहोश हुए तो बेहोशी की हालत में वो अपने घर में राम 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 कह रहे थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को अशफाकुल्ला खां बिस्मिल नहीं कहते थे, राम कहते थे। तो जब वो राम राम कह रहे थे तो उनके घर के जो आसपास दूसरे जो मुसलमान परिवारजन हैं, उन्होंने सोचा कि ये तो काफिर हो गया, मुसलमान कोई राम कहे बेहोशी की हालत में, इसके ऊपर तो कोई भूत प्रेत जिन का साया आ गया, तो वो समझ नहीं पाए कि राम राम क्यों बोल रहा है। तो उनमें से एक परिवार का सदस्य था, उसको समझ आया कि ये अपने दोस्त पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को बुला रहा है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को बुलाया गया, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी आए, उन्होंने अशफाकुल्ला खां के माथे के ऊपर हाथ रखा और अशफाकुल्ला खां का नाम लिया तो अशफाकुल्ला खां को होश आया, ऐसा चुंबकीय प्रभाव पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। जहां कहीं हिंदू मुसलमान का दंगा होता था तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खां दोनों जाते थे और दोनों दंगे को शांत करवाने का काम करते थे। उन्हीं उसी दौरान में मैनपुरी में एक षड्यंत्र हुआ। मैनपुरी में क्या षड्यंत्र हुआ, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने और पंडित गेंदालाल दीक्षित जी ने, ब्रह्मचारी जी ने, लक्ष्मणानंद जी ने, उस समय के सन्यासी भी संघर्ष से जुड़े हुए, हमारे जितने सन्यासी हुए हैं ना, ये जो एक शब्द आपने सुना है ऋषि, ऋषि सुना है ना, ऋषि कौन होता था, जो रहस्यों को जानता था। ऋषि पुराने जमाने में ऋषि होता था जैसे आज का साइंटिस्ट, ऐसा साइंटिस्ट जिसको नोबल पुरस्कार दिया जा सके, जो अपना पूरा जीवन शोध में लगा दे, उसको आज साइंटिस्ट कहते हैं, पुराने जमाने में उसी को ऋषि कहा जाता था। तो हमारे जितने साधु सन्यासी हैं उन्होंने लगातार संघर्ष किया है देश को बचाने में। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी खुद लिखते हैं, जब वो अंतिम समय में गुफा जेल में थे तो जेल में उनको बंद कर दिया गया, लगभग वो 1.5 साल तक जेल में बंद रहे, तो जेल की जो उनकी कोठरी थी वो 9x9 फिट की थी, 9x9 फिट की कोठरी और भयंकर तपती थी। उसी कोठरी के अंदर खाना, उसी कोठरी के अंदर पखाना करना, उसी कोठरी के अंदर रहना, रात को मच्छर काटते थे, कोठरी के अंदर चूहे घूमते थे। तो उसमें रहते हुए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि मुझे, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में क्रांतिकारी जीवन रहा, मुझे गंगोत्री की गुफाओं में जाकर साधना करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मेरे लिए ये जो काल कोठरी है, ये जो जेल की कोठरी है, ये भी साधना की गुफा है, मैं तो इसको भी साधना मानकर करता हूँ। अगर क्रांति का वातावरण नहीं होता तो निश्चित तौर पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भी एक सन्यासी होते, एक साधु होते। पुरी में एक योजना बनाई गई, तो उस समय पंडित गेंदालाल दीक्षित जी और रामप्रसाद बिस्मिल जी ने ब्रह्मचारी जी के साथ, लक्ष्मणानंद जी के साथ, चंबल घाटी में उस समय एक डाकू होते थे, डाकू सरदार पंचम सिंह,
उस डाकू सरदार पंचम सिंह को जोड़ा, उसको समझाया, उसको क्रांतिकारी बना दिया। आम व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, डाकू को क्रांतिकारी बना दिया। और डाकू को क्रांतिकारी बनाकर उन्होंने 500 घुड़सवार, 200 पैदल सैनिक, उनकी सारी राइफलों की व्यवस्था और 8 लाख रुपयों की व्यवस्था कर ली कि हम 1857 जैसी क्रांति करेंगे और अंग्रेजों को एक साथ भारत के बाहर भगाएंगे। तो जिसने इतनी बड़ी योजना बनाई हो वो मस्तिष्क कैसा रहा होगा आप कल्पना करके देखिए। तो मैनपुरी में फिर क्या हुआ कि एक क्रांतिकारियों ने इतनी बड़ी योजना बनाई तो एक व्यक्ति अंग्रेजों का गुप्तचर बन गया, अंग्रेजों का मुखबिर बनकर उसने इस सारी योजना की जानकारी दी। भीषण लड़ाई हुई, गोलियां चली, 50 अंग्रेज मारे गए, 35 क्रांतिकारी मारे गए। पंडित गेंदालाल दीक्षित जी की बाईं आंख में गोली लगी, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, बचे हुए क्रांतिकारियों को। ग्वालियर की जेल में पंडित गेंदालाल दीक्षित जी को रखा गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी वहां से गायब हो गए। बीच में एक बार पुलिस उनके पीछे पड़ी तो ग्रेटर नोएडा के पास एक नदी बहती है, वहां पर वो पुलिस को चकमा देते हुए नदी में कूद गए और अपने जो उन्होंने योग किया था, प्राणायाम किया था, उसके बल पर पानी के अंदर तैरते तैरते काफी दूर निकले और वो भूमिगत हो गए। लोगों ने यह सोचा, घर वालों ने यह सोचा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी तो मर गए हैं। पुलिस ने भी यह सोचा कि पंडित राम प्रसाद जी मर गए हैं। पुलिस ने उनको ढूंढना बंद कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी वेश बदलकर ग्रेटर नोएडा, जो आज जो बहुत विकसित है, वहां पर पहले बबूल के पेड़ होते थे, कीकर के जंगल होते थे, वहां पर वो उन्होंने रहना शुरू किया। तो ये मैनपुरी षड्यंत्र के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी पुलिस इनके लोगों को पकड़ने के लिए लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नाम का व्यक्ति है, इसका मस्तिष्क बहुत तेज है, इसके संगठन की क्षमता बहुत अधिक है, और इसको यदि हमने खुला छोड़ा तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, जब मैनपुरी षड्यंत्र का मामला शांत हो गया, पुलिस ने जब सोच लिया, तो उसके बाद जब ये मुकदमा खत्म हो गया तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बाहर आए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बाहर आकर 2 साल तक भूमिगत रहे, गांव में रहे, 2 साल तक वो किसान के वेश में रहे, 2 साल तक वो चरवाहे के वेश में पशु चराने का उन्होंने काम किया, 2 साल तक वो, 2 साल के बीच में वो उनकी एक बहन थी शास्त्री देवी, उस शास्त्री देवी के घर में गए। और जब वो उसके घर में गए, उनके घर में कुछ दिन रहकर आए, तो उनकी बहन भी उनको पहचान नहीं पाई, ऐसा वेश बदलने में माहिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। उन्होंने देखा कि 2-3 साल तक मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो उन 2-3 सालों का उन्होंने सदुपयोग किया। उन्होंने सदुपयोग क्या किया, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास हिंदी में लिखा। उनके मन में एक संकल्प था कि हमारा जो विचार है, क्रांति का विचार, आजादी का विचार, गुलामी के क्या क्या नुकसान है, ये विचार हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो हमें हिंदी भाषा में पहुंचाना पड़ेगा। और उस समय माहौल ऐसा था, अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बना दिया था, प्रेस एक्ट बना दिया था, कुछ भी हम छाप नहीं सकते थे। समाचार पत्र एक्ट बना हुआ था, समाचार पत्र में कुछ छाप नहीं सकते थे। लोकमान्य तिलक का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक पन्ने का आर्टिकल अपने केसरी में लिख दिया तो उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। वीर सावरकर को 2 जन्म का कारावास दिया गया क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के मन में आया कि मैं सारी पुस्तकों की रचना करूं जो अंग्रेजों की, रूस में उस समय क्रांति चल रही थी, तो रूस में, रूस की क्रांति के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी, स्वदेशी के ऊपर पुस्तक लिखी उन्होंने, चीन की जो क्रांति हुई उसके ऊपर पुस्तक लिखी, अरविंद जी के ऊपर पुस्तक लिखी, अशफाक उल्ला खां के ऊपर पुस्तक लिखी उन्होंने, जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी लिखी। और एक जो बड़ा काम उन्होंने किया, रूस की जो क्रांति की शुरुआत करने वाली एक महिला थी कैथेराइन के नाम से, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, स्वाधीनता की देवी रूस में, जो रूस की ग्रैंड मदर जिसको माना जाता है, वो कैथेराइन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। तो उनकी जीवनी का अनुवाद करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उनको छपवाया। उनकी माँ से जो उनको पैसा मिलता था उसको पुस्तकें छापने में वो लगा देते थे, प्रचार प्रसार में वो लगा देते थे। तो अपने भूमिगत रहने के समय का भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पूरा सदुपयोग किया। अब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और क्रांतिकारियों ने कैसा संघर्ष किया, आप उसको एक बार देखेंगे तो आपकी आंखें गीली हो जाएंगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने संघर्ष के दिनों में लिखते हैं कि क्रांतिकारी नौजवानों को हमने भर्ती तो कर लिया, लेकिन देश के लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे कि क्रांति क्या है, आजादी की कीमत क्या है, गुलामी के नुकसान क्या है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा जेल से 2 दिन पहले लिखी। उनकी माँ उनके लिए खाना लेकर गई, उन्होंने अपील लिखने के लिए पेपर मांगा, उस पेपर में से जो पेपर बचा उस पेपर के ऊपर पेंसिल से उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा को उन्होंने जेल के बाहर भेजा। वो आत्मकथा आज भी आप चाहें तो इंटरनेट पर उपलब्ध है, खरीद भी सकते हैं, बहुत से प्रकाशकों ने उसको छापा है। तो उस आत्मकथा में वो लिखते हैं
कि हमारे पास पहनने के लिए भी कोई साबुत कपड़ा नहीं बचा था। हम लंगर में, मंदिरों में, धर्म क्षेत्रों में जाकर भोजन करते थे। आगे पंडित रामप्रसाद जी कहते हैं कि पूरी अंग्रेजों की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, और जो मेरे आसपास मेरे भरोसे जो नौजवान क्रांति करने के लिए आए हैं, जब मैं उनको देखता हूं कि वो अंगोछा पहनकर या केवल लंगोट पहनकर पूरे दिन रहते हैं, वो अखबार बिछाकर फर्श के ऊपर, कच्चे फर्श के ऊपर सोते हैं, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसे नौजवान जो अपनी पढ़ाई छोड़कर आए, अपने घर परिवार छोड़कर आए, उनको दो वक्त का भोजन भी क्रांतिकारियों को नसीब नहीं होता। उनको भोजन की जगह सत्तू घोलकर पीना पड़ता है, और कभी कभी तो वो सत्तू भी नसीब नहीं होता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी खुद, क्योंकि कसरत करते थे और रोज उनको एक वक्त दूध पीने की आदत थी, तो वो आगे लिखते हैं कि मुझे रोज दूध पीने की आदत है, लेकिन मैं अपने आसपास के क्रांतिकारियों को, नौजवानों के चेहरों को देखता हूं तो मुझे रोना आता है, और मैं दूध पीने के बारे में सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे संघर्षों से हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी। तो जब ऐसा संघर्ष आ गया, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब हम जो जमींदार और साहूकार है, जो हमारे देश के गरीबों को लूटते हैं, उनके ऊपर डकैती डालेंगे। तो उन्होंने दो तीन डकैतियां भी डाली। वो डकैती डालने का उद्देश्य उनका हथियार प्राप्त करना था और क्रांति के लिए धन उगाना था। जब डकैती में उन्होंने सोचा कि एक दो डकैती में क्या हुआ कि लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको गोली चलानी पड़ी। तो एक दो व्यक्ति उससे घायल हो गए या मर गए, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि इससे हम क्रांतिकारी यदि डकैती का काम करेंगे, लोगों से, साहूकार या जमींदारों से भी पैसा लेंगे, तो लोगों के मन में हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो उनके मन में दुख हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब कोई और रास्ता निकालेंगे। तो एक बार वो लखनऊ से सहारनपुर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक संदूक रखी हुई है, और हर स्टेशन के ऊपर रेलवे का कोई कर्मचारी आता है और उसके अंदर पैसे डालता है। तो उनके मन में विचार आया कि ये क्या है, तो पता किया, तो पता लगा कि ये गार्ड रूम में जो संदूक रखी हुई है, इसमें रेलवे की, जो पैसेंजर ट्रेन की जितनी भी आमदनी होती है टिकट बिकने से, उसको डाला जाता है। तो उनके मन में विचार आया कि अब हम अपने जमींदारों साहूकारों के ऊपर डकैती नहीं डालेंगे, हम अंग्रेजों के ऊपर डकैती डालेंगे। तो उनके लगभग 25 साथियों ने मिलकर ट्रेन लूटने की योजना बनाई, 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के लिए चली, तो लखनऊ से 15-20 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है काकोरी नाम का, आप सबने भी देखा होगा। उस काकोरी स्टेशन के ऊपर उन्होंने चेन खींची। चेन खींचने के बाद उन्होंने, उनके हाथ में माउजर पिस्तौल थे जर्मनी के बने हुए, उनके साथ ट्रेन रुकी, फायर किए, गार्ड के रूम में गए, गार्ड को उन्होंने कहा कि आप यदि कुछ नहीं कहोगे तो हम आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। संदूक का बक्सा निकाला, संदूक को खोलने की कोशिश की, उसका ताला नहीं टूटा, तो कुल्हाड़े से चंद्रशेखर आजाद ने उसको तोड़ा। उसमें 8,000 रुपये उनको मिले। 8,000 रुपये लेकर वो वहां से जाने लगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी यात्री को नहीं लूटेंगे, हम केवल अंग्रेजों का सामान, अंग्रेजों ने जो हमसे लूटा है उसको लूटने के लिए आए हैं, किसी भी यात्री को हमसे खतरा नहीं है। तो भी जबरदस्ती एक यात्री ट्रेन में नीचे उतर गया, तो नीचे उतर गया तो जो वो हवाई फायर कर रहे थे, तो एक गोली उसको लग गई, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसको क्रांतिकारी करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती हो गई। ट्रेन का जो गार्ड था उसने एक क्रांतिकारी को देख लिया था लाइट में, लालटेन की लाइट में, तो उस क्रांतिकारी ने उसको कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है। फिर भी, क्योंकि उनका भी दिल था क्रांतिकारी का, उन्होंने कहा कि यदि तुम संकल्प लो भगवान को मानकर कि मुझे कभी भी पहचानोगे नहीं, तो मैं आपको छोड़ देता हूं। गार्ड ने कहा कि मेरे बीबी बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो क्रांतिकारी ने उसको छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं। उस गार्ड के बाद, वो क्रांतिकारी की एक अलग से एक कहानी है, गार्ड जेल में आया, जेल में उसने पहचानने से इनकार कर दिया, और वो गार्ड उसको आजादी के बाद फिर एक रेलवे के अधिकारी के रूप में मिला। तो उनकी ट्रेन को लूटना अपने आप में एक बड़ी घटना थी, और अंग्रेजों ने इसको ऐसे लिया कि आज 10 नौजवानों ने एक ट्रेन लूटी है, कल को थाना लूटेंगे, परसों को बैंक लूटेंगे, तो हमारा सारा शासन तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो अपने सबसे तेज तर्रार ऑफिसर हैं उनको उसकी जांच में लगाया। स्कॉटलैंड की पुलिस का नाम आपने सुना होगा, सबसे तेज पुलिस आज भी मानी जाती है स्कॉटलैंड की। अपने क्रांतिकारियों ने काकोरी की ट्रेन को लूट की, 8,000 रुपये उसमें मिले, लेकिन उसमें एक भूल रह गई। वो भूल क्या रही, एक क्रांतिकारी की चद्दर ट्रेन में छूट गई।
उस चद्दर के ऊपर धोबी का एक निशान लगा हुआ था, तो स्कॉटलैंड की पुलिस को उन्होंने उसमें लगाया कि स्कॉटलैंड की पुलिस को हम लगाते हैं, वो जांच करेगी। तो उस पुलिस ने जांच की, जांच करके धोबी को पकड़ा। धोबी से उनको पता लग गया कि किसकी चद्दर थी। एक क्रांतिकारी पकड़ में आया तो पूरे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके ऊपर फिर आज हम बात करें तो बिल्डिंग कोठी मल्लिका असद महल जो लखनऊ के बीच में होती थी, वहां पर एक रिंग थिएटर होता था जहां पर अंग्रेज अपना मनोरंजन करते थे। तो अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उस रिंग थिएटर में उन्होंने स्पेशल एक कोर्ट बनाया, स्पेशल जज बिठाया और 10 महीने तक लगातार फास्ट ट्रैक इस काकोरी क्रांतिकारी घटना की सुनवाई की। 28 व्यक्ति इसमें से पकड़े गए, 2 व्यक्तियों को शक का लाभ देकर छोड़ दिया गया, 2 व्यक्ति पुलिस के मुखबिर बन गए, 2 व्यक्ति ने कहा कि हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। 26 व्यक्तियों के ऊपर यह मुकदमा चला गया। और जब मुकदमा चला और इसकी जब मुकदमे की कार्रवाई चली तो उस कार्रवाई के बीच में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को जो सरकारी वकील दिया गया वो वकील किसी लेवल का नहीं था, उस वकील की वकालत का ज्ञान बहुत कम था। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मैं खुद अपनी वकालत करूंगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने खुद अपनी वकालत करना शुरू किया। उस समय की जो अंग्रेजों का चीफ जस्टिस था कोर्ट का, उसने जब अपील डाली गई तो उसने टिप्पणी की कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल महाषड्यंत्रकारी है, इसको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो यह दोबारा क्रांतिकारियों को जोड़ लेगा, दोबारा षड्यंत्र करेगा और अंग्रेजों को बाहर भगाएगा। प्रांतीय गवर्नर को, वायसराय को अपीलें भेजी गई लेकिन किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से बहुत डरते थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर भी लगातार षड्यंत्र चलते रहते हैं। आप हमें देखेंगे तो रामलीला मैदान में हुआ, रामलीला मैदान के बाद आज भी हम देखेंगे तो विदेशी कंपनियां लगातार षड्यंत्र करती रहती हैं, लेकिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कभी झुकते नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे, वैसे ही आपका पतंजलि योगपीठ भी सेवा के कार्यों में कभी झुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। काकोरी केस का मुकदमा लड़ने वाले सरकारी वकील, जैसा मैंने आपको बताया, पंडित जगत नारायण मुल्ला जी थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इनको फांसी की सजा करवाई जाए। उन्होंने केस को खूब अच्छे से लड़ा। लास्ट में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जेल में थे और जब उनको फांसी की सजा दे दी गई तो उन्होंने लिखा है, एक पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि ये जो मुल्ला जगत नारायण है ये अंग्रेजों के इतने खास थे कि इनको उस केस को लड़ने के लिए 1,00,000 रुपए की फीस दी गई। 20 रुपए तोला सोने का रेट है, 1,00,000 रुपए मुल्ला जगत नारायण को फीस लड़ने के लिए दी जा रही है कि क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलवानी है। और ये अंग्रेजों के इतने खास थे कि कोई भी कमेटी बनती थी आजादी से पहले, हर कमेटी में ये होते थे। 1938 तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। तो बिस्मिल जी ने लास्ट में अपना एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि देश की सेवा के लिए मैं तो दोबारा जन्म लूंगा, पंडित जगत नारायण मुल्ला जी को मेरा नमस्कार कह देना और उन्हें कहना कि हमारे खून से लथपथ 1,00,000 रुपयों के ऊपर सोकर उनको नींद आ जाए। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो पंडित जगत नारायण मुल्ला की है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सगे साले थे। कोर्ट में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी 76 पेज की एक लिखित अपील डाली और 76 पेज की जो अपील जब उसके कोर्ट के जो चीफ जज ने पढ़ी तो चीफ जस्टिस था लुइस शर्ट्स, उसने पूछा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से कि मिस्टर रामप्रसाद फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। उसको जब उसने पढ़ा कि ये तो ऐसी लगती है कि जैसे किसी लंदन के विलायत के किसी कानून की डिग्री लेने वाले किसी अच्छे विद्यालय से ये पढ़कर कोई व्यक्ति ने लिखी हो, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी उस समय भी हंस पड़े और वो जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी ना उसका मजाक बनाते थे, वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे। उनका एक ही संकल्प था कि हमें तो फांसी के फंदे पर झूलना है क्योंकि हम शहादत देंगे तो ही नए क्रांतिकारी खड़े होंगे। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने हंसते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। वो कहता, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल थे, ऐसा उनका चरित्र था, ऐसे उनके चिंतन का स्तर था। मुल्ला जगत नारायण जो विलायत के पढ़े हुए थे वो जब दलील देते थे तो वो आए दाएं बाएं बगले झांकते थे, ऐसा मस्तिष्क उनका था, ऐसी बुद्धि उनकी थी। और आज हम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी देखते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब तर्क करते हैं, टीवी के ऊपर बैठते हैं
तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते हैं, काले धन की जब मुहिम चली, शिक्षा शास्त्री आते हैं, तो उनको अगले बगले झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी भी महर्षि दयानंद के शिष्य थे, उन्होंने भी वेद दर्शन उपनिषद पढ़े थे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, और पूज्य स्वामी जी महाराज भी महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। फांसी से दो दिन पहले भी अंग्रेज उनको लालच देते रहे। क्या लालच देते रहे? अंग्रेजों के जो सेशन जज हैं मिस्टर हैमिल्टन, और जो अंग्रेजों के जो सीआईडी का डिप्टी एसपी था, वो उनके पास आते थे, वो कहते थे कि आप सारी योजना बता दो हमें, हम आपको छोड़ देंगे, आपको हम 15,000 रुपये नगद देंगे, और आपके हम विलायत में वकालत पढ़वाने की व्यवस्था करवा देंगे, आप तो इतने अच्छे वकील बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 1900 से लेकर 1950 तक जितने बड़े आंदोलनकारी हुए, महात्मा गांधी वकील, सरदार पटेल वकील, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी वकील, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वो वकील, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई वो वकील, लाला लाजपत राय वकील, मतलब उस समय सबसे अच्छा व्यवसाय क्या माना जाता था? वकालत का व्यवसाय माना जाता था। लोग लंदन जाते थे तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, लंदन में क्या पढ़ने के लिए जाते थे? वकील बनने के लिए जाते थे कि वकील बन गए तो हम एक तरीके से एक स्टेट के सीएम के बराबर हम पैसा कमा पाएंगे, वैसी ताकत हमारी होगी। तो उन्होंने लालच दिया कि आपको हम वकील बना देंगे, विलायत में भेज देंगे, आपकी पढ़ाई का प्रबंध कर देंगे, आपको हम नगद भी देंगे, सारी पढ़ाई का खर्चा भी लेंगे, आप माफी मांग लो या आत्मसमर्पण कर दो, और हमारी सारी योजना के बारे में सारे क्रांतिकारियों के पते बता दो। लेकिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उनको साफ मना कर दिया। फिर अंत में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की मां उनसे मिलने के लिए गई, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दे दी गई। 1927 में तय हो गया कि उनको गोरखपुर की जेल में प्रातःकाल फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा। जैसे कि परंपरा है कि पहले दिन वो अनुमति देते हैं कि उनके परिवार के लोग जो उनके ब्लड रिलेशन में है वो चाहें तो आकर उनसे मिल सकते हैं, तो उनकी माँ उनसे मिलने के लिए गई। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आंखों में अपनी माँ को देखकर आंसू आ जाते हैं, तो उनकी माँ उनको वहां पर लताड़ती है, वो कहते हैं कि तुम्हें मैंने आंसू गिराने के लिए पैदा नहीं किया, मुझे तो आज मेरी कोख लजा रही है कि जेल की फांसी की सजा को देखकर तुम रो रहे हो, तुम तो डर गए हो। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, नहीं माँ, तुम्हारा बेटा डर नहीं सकता, मैं डरा नहीं हूं, ये आंसू तो माँ को देखकर प्रेम के आंसू हैं, मोह के आंसू हैं, जैसे आग के पास आकर घी पिघल जाता है, वैसा ही आपको देखकर मेरा दिल पिघला है, मैं तो बस एक प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में भी मुझे मां मिले तो आप जैसी मां की कोख से जन्म लेने का अवसर मिले, ये मेरी अंतिम इच्छा है, मैं डरा हुआ नहीं हूं, और मेरा संकल्प है कि भारत को जब तक पूरी तरह से आजाद ना करवा लूं मैं बार बार जन्म लेता रहूं। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का प्रभाव देखिए, उन्होंने क्रांतिकारियों से केवल एक जन्म की क्रांति नहीं करवाई, उन्होंने हर क्रांतिकारी के मन में यह डाल दिया कि फांसी के फंदे को चूमकर, जो हमारे वैदिक सिद्धांत है पूर्व जन्म का और पुनर्जन्म का, उस सिद्धांत के अनुसार हम दोबारा जन्म लेंगे और दोबारा संघर्ष करेंगे। भारत में जब तक हमारे ऋषियों के सपनों का भारत नहीं बन जाए, हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार क्रांति करते रहेंगे। और मुझे लगता है पतंजलि योगपीठ से आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, उस समय उनके साथ अशफाक उल्ला खां थे, उनके लास्ट का लेटर हम देखते हैं तो वो भी यही प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो मुसलमान धर्म है उसमें पूर्व जन्म की पुनर्जन्म की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर मेरा अल्लाह मुझसे कहे कि तुम एक चीज मांगो तो मैं अपना दोबारा जन्म इस भारत की धरती पर मांगूंगा दोबारा, ताकि मैं क्रांति कर सकूं। ऐसा अशफाक उल्ला खां मांगता है, जो कट्टर मुसलमान है, जो पूर्व जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता। राजेंद्र लहड़ी का संकल्प यही है, करतार सिंह सराभा का संकल्प यही है, वो भी यही कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि अगले जन्म में मैं कोई माँ या बहन बनू, मतलब औरत बनू। क्यों? जब अंग्रेज उनसे पूछते हैं कि औरत क्यों बनना चाहते हैं, वो कहते हैं अभी तो मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूं, अगर मैं औरत बना तो अपनी कोख से कम 10 क्रांतिकारी बेटे बेटियों को जन्म दूंगा जो अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे। तो सारे क्रांतिकारियों का सपना क्या था कि हमारा भारत आदर्श बने, और जब तक हमारा भारत क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बन जाए तब तक हम बार बार जन्म लेते रहें, बार बार हम मरते रहें। मुझे तो ऐसा लगता है कि पतंजलि योगपीठ से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज से लेकर हम सब जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब का कोई ना कोई अधूरा काम बाकी है। इसीलिए 120 करोड़ लोगों में से जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो एक्टिवली जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ के निर्माण में
इस अभियान को ऊपर उठाने में अपना योगदान दिया है, उनका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का पुनर्जन्म का कोई संबंध है जिसको निभाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज भी, यद्यपि हम अवतारवाद को नहीं मानते लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर भी कहीं ना कहीं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मा है जो अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। अंतिम दिन उन्होंने प्रातः योग किया, प्राणायाम किया, जेल की काल कोठरी को ही उन्होंने अपनी साधना की गुफा मान ली। अंतिम दिन फांसी के नहाए धोए, अपना जो संध्या हवन करते हैं संध्या करते हैं वो किया, और फांसी के फंदे के ऊपर हंसते हुए गए तो फांसी के फंदे को जब जल्लाद डालने लगा तो उन्होंने कहा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डालता हूँ। अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला और लास्ट में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में नारा लगाया, आई विश डाउनफॉल फॉर ब्रिटिश एम्पायर, कि मेरी अंतिम इच्छा है ये जो अंग्रेजों का राज है इसका सर्वनाश हो, अंग्रेजों के राज से भारत को मुक्ति मिले। और उन्होंने एक दो शेर और कहे, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रंगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र तेरी ही जुत्सजू रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब न अहले वलवले हैं न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की रह हसरत दिले बिस्मिल में है। ईश्वर से प्रार्थना की, सवितर दुर्तानी देव परासुवे का मंत्रोच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। फांसी के फंदे पर जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने झूले तो उन्होंने इतना देश को जगा लिया था कि जेल के बाहर 50,000 लोगों की भीड़ लग गई। तो गोरखपुर की जेल के बाहर अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के पार्थिव शरीर को निकाला जाए, तो जेल के पीछे से दीवार तोड़कर उनके शरीर को निकाला गया। 50,000 लोगों की भीड़ ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली, लोगों ने उनके अंतिम यात्रा के ऊपर फूल चढ़ाए, इत्र चढ़ाए, बेशुमार दुकानदारों ने जो गोरखपुर के जहां जहां से वो यात्रा निकली वहां पर पैसे लुटाए, और लोगों ने संकल्प लिया कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम हमें करना है। तो ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मैंने कुछ बताया है, सब कुछ बताने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, मैंने कुछ जो मैंने पढ़ा, जो मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया वो मैंने बताया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शहीदों के सपनों का भारत अभी बना नहीं है। और इसी संकल्प के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इसी संकल्प को दोहराते रहते हैं, हम सब उनके संकल्प को जीते हैं और हमारा एक ही सपना है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने भारत का सपना देखा था वैसा भारत हमें बनाना है। अब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिवार के साथ क्या हुआ हम उसको जानेंगे तो हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी बार बार कहते थे कि यह सच है कि मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन नाम हमारा मिटाया ना जाएगा, आजाद हम कर न सके अपने मुल्क को तो बिस्मिल यह मुंह खुदा को दिखाया ना जाएगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिवार में उनकी मां उनकी बहन रही, उनका छोटे भाई को टीबी हो गई, डॉक्टर के पास लेकर गए गुलाम भारत में, तो डॉक्टर ने कहा 200 रुपए की व्यवस्था करो, वो 200 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उनके छोटे भाई की मौत हो गई। उनकी बहन शास्त्री देवी जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के क्रांतिकारी कार्यों में लगातार साथ देती थी, जब कभी उनको बंदूकें लानी ले जानी होती थी तो उत्तर प्रदेश में उस समय घाघरा पहनते थे, तो उस घाघरे के नीचे अपनी टांगों से बंदूक बांधकर, क्योंकि आदमियों की तो तलाशी लेते थे, तो वो अपनी टांगों से बंदूक बांधकर रेलवे स्टेशन से या कहीं भी पुलिस के पहरे से बाहर हथियार निकालने होते थे तो निकालने का काम करती थी शास्त्री देवी, उनका नाम था। उनको लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़े, मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचने पड़े, उनकी माँ को उनकी बहन को उस समय लोगों के घरों में जाकर, उस समय बिजली वाली चक्की नहीं होती थी तो हाथ से पिसाई होती थी, तो हाथ से पिसाई करने का काम करना पड़ा। इतने संघर्ष इतने दुख पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के परिवार ने झेले। यदि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी अपने सुख सुविधाओं को देखते तो आराम से अपना जीवन बहुत आनंद से गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे संघर्षों को भी स्वीकार किया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का यही संकल्प था कि भारत, हमारा भारत विश्वगुरु भारत बने, हमारा भारत आदर्श भारत बने। तो ये हमने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जो 1927 में बलिदान दिया उसके बाद
शहीद भगत सिंह ने बलिदान दिया, पूरे देश को जगाया, असेंबली में बम फेंका, पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी शहादत दी। क्रांतिकारियों के अलग अलग दल खड़े हुए, लोगों में हौसला आया, लोगों में एक संकल्प आया कि हमें अपना जीवन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह अपनी देश की रक्षा के लिए देना है। एक चिंगारी उत्पन्न हुई 1857 के बाद, दोबारा चिंगारी उत्पन्न करने का काम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया। बेतिया बिहार में हिंदुस्तान सेवा दल के नाम से, भगत सिंह की नौजवान भारत सभा, सुखदेव जी ने गुप्त समिति के नाम से क्रांतिकारी संस्थाएं बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से, शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा मिली। उन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, कांग्रेस में विजयी हुए। महात्मा गांधी ने विरोध किया तो देश को छोड़कर जर्मनी गए, आजाद हिंद फौज बनाया, जापान गए, रेडियो स्टेशन की स्थापना की और जापान में जापानियों को साथ लेकर आजाद हिंद फौज बनाकर मणिपुर के रास्ते, नागालैंड के रास्ते, कोहिमा के रास्ते अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। और अंग्रेजों का जब उस समय का प्रधानमंत्री मिस्टर एटली जब भारत में आया तो वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिले। पश्चिमी बंगाल के गवर्नर ने जब उनसे पूछा कि आपने हिंदुस्तान में जितनी भी बिल्डिंग बनाई है, राष्ट्रपति भवन बनाया है, संसद भवन बनाया है, डाक बंगले बनाए हैं, जितनी रेल बनाई है, वो आपने भारत को छोड़कर जाने के लिए तो नहीं बनाई? आपकी तो योजना थी कि भारत में हम 200 साल तक रहेंगे, 500 साल तक रहेंगे, तो आप भारत को छोड़कर क्यों गई? क्या आप गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने 1942 में आंदोलन दिया करो या मरो का, उसके कारण गए क्या? तो मिस्टर एटली हंस पड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमने यदि भारत को छोड़ा तो क्रांतिकारियों के कारण जोड़ा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना ली थी और उस आजाद हिंद फौज ने, उन्होंने बताया कि भारत में हम जो राज करते थे वो अंग्रेजों के बल पर पड़ते थे। कभी भी हमारे भारत में 40,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे, 10 लाख की सेना थी तो सारे भारतीय थे और वो हमारे पिट्ठू थे, हमारे गुलाम थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से क्रांति करके उनकी, हमारे ब्रिटेन के राज मुकुट में श्रद्धा खत्म कर दी, उनके अंदर भावना भर दी कि गुलामी से आजादी अच्छी है, इसलिए हम 40,000 अंग्रेजों के बल पर भारत में यदि बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं जैसे ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं, कभी भी वो ज्वालामुखी फट जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो हम अपनी जान बचाने के लिए भारत को छोड़ कर गए हैं, हम गांधी जी के कारण भारत को छोड़कर नहीं गए हैं। आज यदि हमें आजादी मिली है तो उसमें बड़ा योगदान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। यह हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता। आज पतंजलि योगपीठ शहीदों के सपनों को साकार करने का काम कर रहा है। पतंजलि योगपीठ में प्रभु भक्ति भी होती है, राष्ट्रभक्ति भी होती है, देशभक्ति भी होती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कि जिनमें हवन में, संध्या में, योग में, यज्ञ में अटूट आस्था थी, पतंजलि योगपीठ की भी अटूट आस्था उसी में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का एक और बड़ा दर्शन था, स्वदेशी का दर्शन। पतंजलि योगपीठ ने भी स्वदेशी के दर्शन को भी अपनाया है और स्वदेशी के दर्शन के साथ साथ मैं आपसे पूछता हूं कि 1947 में यदि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के सामने आजादी मिल जाती तो क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इन विदेशी कंपनियों को, कोलगेट को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देश में रहने देते? अंग्रेजों के भगाने के बाद उनका दूसरा अभियान क्या होता कि हम विदेशी कंपनियों को भी अपने देश के बाहर भगाएंगे। अंग्रेज लूट करते थे राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, ये विदेशी कंपनियां हमें लूटती हैं आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के बाद, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होते तो वो विदेशी कंपनियों को भगाते। विदेशी कंपनियों को भगाने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भी हो रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह नौजवानों को जोड़ने का काम करते थे। पतंजलि योगपीठ का भी यही उद्देश्य है कि नौजवानों को जोड़ा जाए। पूरे देश में 600 से अधिक जिलों में, 5,000 से अधिक तहसीलों में और 2,00,000 से अधिक गांवों में पतंजलि योगपीठ द्वारा 5 से लेकर 50 व्यक्ति तक जोड़े जा चुके हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह भी क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए बंगाल में, पंजाब में घूमते रहते थे, लाहौर में घूमते रहते थे। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज भी योग का प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, क्रांतिकारी बनाते हुए पूरे देश में भ्रमण करते हैं और संगठन को खड़ा करते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्रांति करने के लिए सबसे पहले संगठन खड़ा किया, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया है।
और अब संकल्प लिया है कि अब हमने वस्तुओं में तो स्वदेशीकरण कर दिया, अब शिक्षा का स्वदेशीकरण किया जाएगा ताकि आने वाले लोगों को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पता लगे, वो महाराणा सांगा और राणा प्रताप की पूजा करें, वो ये ना पढ़ें कि बाबर महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था, हुमायूं महान था, औरंगजेब महान था। उनको पता लगे कि हमारे भारत में राणा सांगा महान था, बप्पा रावल महान था, महाराणा प्रताप महान था, छत्रपति शिवाजी महान था। तो ये संकल्प हमारा है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत नमन। एक भजन सुनते हैं, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये भजन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का लिखा हुआ। जब वो फांसी के फंदे के ऊपर जा रहे थे कालकोठरी से, तो जाते जाते वो ये भजन गाते थे। जितनी बार उनको कोर्ट में लाया जाता था तो कोर्ट में वो भजन गाते थे, ये गीत गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बाद जितने भी क्रांतिकारी हुए उनके लिए ये वेद का मंत्र बन गया, और उन सब ने इस सरफरोशी की तमन्ना को गाते गाते हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। तो उस सरफरोशी की तमन्ना का गीत पूज्य स्वामी जी महाराज भी बार बार गाते हैं, हम भी उस गीत का एक बार चिंतन मनन करेंगे। और ये जो मैंने आज आपको सुनाया है ये किसी एक पुस्तक से नहीं सुनाया, इसके लिए लगभग 20 पुस्तकों की सहायता लेकर, जो निचोड़ उसका था, जो जिसको सुनकर हमें रोमांच हो, जिसको सुनकर हमें प्रेरणा मिले, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी होने की उम्मीद, आशिकों का जी
ये जो आपने गीत सुने ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के विचार हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से गीत गजल लिखे हैं जो आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में डालिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी, जो मैंने मदनलाल वर्मा क्रांति जी की बात की ना, तो उन्होंने विकिपीडिया के ऊपर खूब सारा अपलोड कर दिया है ताकि सबको सुलभ हो जाए। पुस्तकें सब नहीं खरीद सकते, तो जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते वो इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, मोबाइल के ऊपर ले सकते हैं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उस समय जो पहला काम किया, जब उनकी माँ ने उनको पैसे दिए, तो पहला काम क्या किया, उनकी माँ ने उनको एक बार 300-400 रुपए दिए और ये कहा कि कोई काम शुरू कर लो, आप कोई दुकान खोल लो, कोई व्यापार करना शुरू कर लो। तो उन पैसों से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपने सुख सुविधाओं का कोई सामान नहीं खरीदा। उन पैसों से उन्होंने क्या किया, उन पैसों से उन्होंने जो रूस की क्रांति कैसे हुई, चीन की क्रांति कैसे हुई, अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, कैथेराइन कौन थी, उनकी जीवनी अंग्रेजी से रूसी से उन्होंने अनुवाद करके हिंदी में उनको छापा। और उस समय छापी होंगी तो कितनी छापी होंगी, 500 छाप ली होंगी, 1000 पीस छाप लिए होंगे। और उस समय क्योंकि अंग्रेजों को जैसे ही कोई उनको पता लगता था, अंग्रेज उसको जब्त कर लेते थे, तो कितना मुश्किल छापना था और फिर कितना मुश्किल उसको पाटना, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना था। ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जो दूसरे नए साथियों को जोड़ते थे ना, कैसे जोड़ते थे, किसी हॉस्टल में कोई युवा है 17-18 साल का, तो ये उसके पास जाते थे, उससे सामान्य बातचीत करते थे, थोड़ा मेल जोल बढ़ाते थे। जब थोड़ा सा मेल जोल बढ़ जाता था तो उनको रूस की क्रांति की कोई पुस्तक दे देते थे, 2-3 दिन में वो पढ़ता था। तो पढ़ने के बाद फिर वो बात शुरू करते थे, हाँ कैसी लगी आपको पुस्तक, रूस वालों ने जैसे क्रांति की क्या वैसी भारत में होनी चाहिए क्या, क्या वहां पर जो गलत हो रहा था अपने देश में भी ऐसा गलत हो रहा है क्या, जैसे वहां अच्छा हुआ क्रांति के बाद तो हमारे यहां भी अच्छा हो सकता है क्या। तो ऐसे करके वो ब्रेन वॉश करने का काम करते थे, ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करने का काम करते थे। हथियार किसको बनाते थे, विचार को, क्रांति के विचार को हथियार बनाते थे। शहीद भगत सिंह असेंबली हॉल में गए, वहां पर उन्होंने बम फेंका, तो वो जो बम फेंकने के लिए गए थे, क्या उस बम से किसी अंग्रेज की मौत हुई, किसी आदमी को उन्होंने मारा, नहीं। वो जो बम फेंकने के लिए गए थे, जब वो गए तो उनको पता था कि मुझे अगर मैं असेंबली हॉल में जा रहा हूं तो जा तो सकता हूं, बम फेंकने के बाद वापस नहीं आ सकता क्योंकि सुरक्षा वाले चौकन्ने हो जाएंगे और मैं वहां से निकल नहीं सकता। और दूसरी बात भी उनको पता थी कि बम मैंने फेंक दिया तो बम फेंकने के बाद अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया तो कम से कम फांसी की सजा देंगे, उससे कम कोई सजा देने वाले नहीं है। ये दोनों बात उनको पता थी और पता होने के बाद भी वो बम फेंकने के लिए गए। बम फेंकने का उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, केवल धमाका करना था। और धमाका करने के साथ साथ ये जो पीला पर्चा आपने देखा ना, जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पीला पर्चा, जो पार्टी का संविधान बनाया था कि भारत कैसा हो, उसके पर्चे उन्होंने असेंबली हॉल में लहराए। क्यों लहराए, क्योंकि वो पर्चे वो छपवाकर नौजवानों तक नहीं पहुंचा सकते थे। अखबार में वो जाते थे तो अखबार वाले उनकी बात सुनते नहीं थे, उसको छापते नहीं थे, क्योंकि अखबार वाले अंग्रेजों की बात को सुनते थे, अंग्रेजों की बात को छापते थे, अंग्रेजों के आधार पर अखबार वाले चलते थे। रेडियो और टीवी चैनल उस समय था नहीं, रेडियो आया 1940 के दशक के बाद, टीवी उसके और 20 साल बाद आया। तो शहीद भगत सिंह ने सोचा कि हम असेंबली हॉल में जाएंगे, वहां पर मीडिया वाले होंगे, हम धमाका करेंगे और धमाका करने के बाद जब ये पर्चे लहराएंगे तो पर्चे हम मीडिया वालों की ओर फेंकेंगे, जब मीडिया वालों के हाथ में ये पर्चे मिलेंगे तो वो इसको लेकर जाएंगे और अपने अखबार में छापेंगे, क्योंकि ये असेंबली हॉल के धमाके से जुड़े हुए पर्चे हैं। और वो जब अखबार में छापेंगे तो देश के सारे नौजवानों को क्रांति के विचार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये विचार की जानकारी केवल भारत में नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में ये घटना जाएगी, क्योंकि असेंबली हॉल में धमाका हुआ है तो दूसरी भाषाओं में भी जाएगी, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का सिर नीचा होगा, उनकी नाक कटेगी कि वो कैसे अत्याचार भारत में कर रहे हैं। तो शहीद भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा किसके लिए, अपने कुछ विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। आज अगर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल होते तो वो कोई टीवी चैनल चलाते कि नहीं चलाते, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस समय वो प्रिंटिंग प्रेस थी केवल, तो पर्चे छापे ना उन्होंने,
केवल प्रेस आई थी, इसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पर्चे छापे। आज होते तो टीवी चैनल चलाते। आज एक और मीडिया आया है जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं। पतंजलि योगपीठ ने आस्था संस्कार वैदिक चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे देश में योग का और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। और अभी पतंजलि योगपीठ ने सोशल मीडिया को भी, पूज्य स्वामी जी महाराज पूरी दुनिया में आध्यात्मिक जगत में सोशल मीडिया में सबसे अधिक लाइक और फॉलो किए जाने वाले व्यक्तित्व हैं। तो इस सोशल मीडिया में फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर के ऊपर भी पतंजलि योगपीठ सक्रिय है। अब ये जो पतंजलि योगपीठ में जो हम अच्छा अच्छा देखते हैं, और ये जो अच्छा अच्छा है, ये सब आपके कारण है, क्योंकि इस पतंजलि योगपीठ में जो एक एक ईंट लगी हुई है वो आपके खून पसीने की कमाई की लगी हुई है। ये पतंजलि योगपीठ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की संस्था पतंजलि योगपीठ। तो हमें पतंजलि योगपीठ की जो सेवाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। तो आप में से जो जो भाई फेसबुक का, ट्विटर का, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, ये भाषण आपको दोबारा सुनना है तो यूट्यूब के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। पतंजलि योगपीठ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। भारत स्वाभिमान का अलग से यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है जिसमें सुबह का जितना योगा पूज्य स्वामी जी महाराज करवाते हैं वो सारा उसके ऊपर उपलब्ध है। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जो करवाते हैं वो सारा उसके ऊपर उपलब्ध है। जितनी सारी चीजें हैं वो सब YouTube के चैनल पर उपलब्ध है। सुबह का जो शिविर है, आप तो यहां पर आए हुए हैं, आपका मन है किसी और को भी आपके दिखाएं, तो आप उनको बता सकते हैं कि सुबह का शिविर पूज्य स्वामी जी महाराज के Facebook और Twitter के ऊपर लाइव किया जाता है, वो कहीं भी उसको देख सकते हैं। और ये जो चीजें जो आपको अच्छी लगे, आप सबको भी पतंजलि योगपीठ के फेसबुक से, यूट्यूब से और ट्विटर से जुड़ना है। और फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से जुड़कर आपको पूज्य स्वामी जी महाराज के जो भी अच्छे विचार आए, जो अच्छे विचार आए जो आप तक पहुंचे हैं, उनको 10-20 नए व्यक्तियों तक भी पहुंचाना है। और पतंजलि के, पूज्य स्वामी जी महाराज के विचार कोई अलग विचार नहीं है, हमारे ऋषियों के, क्रांतिकारियों के और हमारे शहीदों के जो विचार हैं, वैदिक विचार, वही पतंजलि योगपीठ के विचार हैं। क्योंकि आपकी संस्था कोई ढोंग आडंबर का प्रचार प्रसार नहीं करती। पतंजलि योगपीठ ऐसी संस्था है जहां दुखी मानवता की सेवा की जाती है। दुखी मानवता को, बीमार को, रोगी को, उसके कल्याण को ही भगवान माना जाता है, ऐसी पतंजलि योगपीठ है। तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका मन है ना आपको सब कुछ सुनता रहे, तो ये स्टैंडी बाहर लगी हुई है, एक स्टैंडी लगी हुई है जिसमें पूज्य स्वामी जी महाराज का फेसबुक का, ट्विटर का, YouTube का, पूज्य आचार्य जी का Facebook, ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। तो आप उसको अपने मोबाइल में सर्च करें, उसको फॉलो कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, और उसमें जो अच्छा विचार आए उसको आप शेयर कर दीजिए। आपको कोई अच्छा विचार WhatsApp के ऊपर मिले तो उसको भी आप उसको शेयर कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको सोशल मीडिया में भी एक्टिव होते हुए अपने अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करना है। मैं आपको नहीं कहता कि आपको भगत सिंह बन के कहीं असेंबली हॉल में बम फोड़ना है योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, आज जरूरत नहीं है। आपको प्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टीवी चैनल का स्टूडियो बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको कोई अखबार निकालने की जरूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया का हमें प्रयोग करना है। सोशल मीडिया का प्रयोग करके हमें अपने पतंजलि के, अपने वैदिक विचारों को अधिक से अधिक दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। पुराने जमाने में तो पुस्तकें छापने के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी, जेवर बेचने पड़ते थे, तब जाके एक पत्रक छपता था। आज आप और हमारा सौभाग्य है कि हम 99 रुपये का जियो का डेटा रिचार्ज करें, 5 मिनट के अंदर जितनी पुस्तक छापने में, विचारों का प्रचार प्रसार करने में एक जिंदगी लगती थी, उतना 5000 लोगों तक हम आप आज 1 सेकंड में एक क्लिक के ऊपर भेज सकते हैं। तो सोशल मीडिया का आपको प्रयोग करना है, जो अच्छा लगे आपको उसका प्रयोग कीजिए। आपको पतंजलि योगपीठ के, पूज्य स्वामी जी महाराज के फेसबुक पेज पर आपको बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियो, 2 मिनट के, 5 मिनट के। आपके घर में किसी को मोटापा है, आप 5 मिनट का वीडियो भेज दीजिए, उनको जानकारी लग जाएगी मोटापे में क्या खाना चाहिए, अर्थराइटिस में क्या करना चाहिए, दमा अस्थमा में क्या करना चाहिए, कैंसर में क्या करना चाहिए। तो वो सारे वीडियो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उपलब्ध है। आप फेसबुक और ट्विटर से जुड़ेंगे तो आपको घर बैठे पतंजलि की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। योग संदेश आपके पास आती है ना, तो योग संदेश में तो महीने में एक बार जानकारी आती है। योग संदेश जैसी अच्छी अच्छी जानकारी पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के फेसबुक, ट्विटर के ऊपर आती रहती है, उसको आप लाइक और फॉलो करें। शहीदों, क्रांतिकारियों के विषय में
हम जब कैंप होता है तो कैंप में बात करते हैं, जब कैंप नहीं होता तो फेसबुक के ऊपर हम लाइव करते हैं शहीदों क्रांतिकारियों के बारे में। किसी की जयंती या शहादत दिवस आता है तो हम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, मेरी भी कोशिश रहती है कि उसको हम अपने देश की युवा पीढ़ी को बताएं। तो आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर किसी भी शहीद के बारे में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वीर बंदा बहादुर का नाम किस किस ने सुना है? देखो 20% लोगों ने सुना है। वीर बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे और उन्होंने 300 साल पहले सिख साम्राज्य की स्थापना की। पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, वीर बंदा बैरागी ने मुगलों के छक्के छुड़वाए और इतने बड़े हिस्से के ऊपर राज किया, अपनी करेंसी निकाली, अपनी मोहर चलाई। इतने बड़े हिस्से में जितने जमींदार होते थे उनकी जमींदारी खत्म करके जो लोग जमीन को जोतते थे उनको जमीन का मालिक बनाया, गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाए। और वीर बंदा बैरागी को बाद में जब मुगलों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घेर कर पकड़ा तो पकड़कर दिल्ली में उनके 800 सैनिकों में से हर शुक्रवार को नमाज के बाद 100-100 सैनिकों को मस्जिद में लाते, वीर बंदा बैरागी को पिंजरे में बंद करके लेकर आते, उनके 5 साल के बच्चे को पिंजरे में बंद करके लेके आते, उनके सामने 100 सैनिकों को बुलाते, उनको कहते थे या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। और वीर बंदा बैरागी के सामने जब वो मना करते सिख सिपाही तो उनका सिर काट देते थे। हर शुक्रवार को 100-100 के सिर काटे, 800 के सिर काटने के बाद दिल्ली में जहां हार्डिंग लाइब्रेरी है वहां पर वीर बंदा बैरागी और उसके 5 साल के बेटे को लेकर आए। उन्होंने कहा कि मुसलमान बन जाओ, वीर बंदा बैरागी ने मना कर दिया तो वीर बंदा बैरागी की गर्म चिमटी से एक एक चमड़ी नोची गई। चमड़ी नोचने के साथ साथ उनके हाथ में छुरी देकर उनके 5 साल के बेटे को उनकी गोद में दिया और कहा कि अपने हाथ से अपने बेटे की हत्या करो। उन्होंने मना कर दिया तो जल्लाद ने उनके सामने उनके बेटे के एक एक हाथ को, एक एक पैर को, एक एक अंग को काटा और उसका कलेजा निकालकर वीर बंदा बैरागी के मुंह में जबरदस्ती ठूसा। उन मुगलों के उन अत्याचारों का क्योंकि विरोध उसने किया था और उसके बाद वीर बंदा बैरागी को जब भी वो हड्डियां रहने के बाद भी जब वो पिघले नहीं, वो झुके नहीं, वो मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हुए तो हाथी के नीचे उनको डाल दिया गया। वीर बंदा बैरागी कौन थे? मूल रूप से एक संत थे, अपनी साधना करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब देखा कि गो हत्या हो रही है, हिंदुओं की मां बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने उनको संकल्प दिलवाया कि अब साधना नहीं करनी, अब संघर्ष करना है। और उन्होंने साधना के मोक्ष के मार्ग को छोड़कर सेनापति बनना स्वीकार कर लिया और उन्होंने सबसे पहले लाहौर में सर हिंद का जो नवाब था जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे जोरावर सिंह और फत्ता सिंह को मुसलमान ना बनने के कारण दीवार में चिना था, उनकी हत्या का बदला दिया। जिन्होंने सबसे पहले गुरु अर्जुन देव जी की जिस जल्लाद ने सिर कलम किया था उस जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा, गुरु बंदा बैरागी वो थे। अब मुझे बताइए कि महान अकबर था या बंदा बैरागी था? लेकिन बंदा बैरागी के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इन सब के बारे में यदि आपको जानना है तो सोशल मीडिया से आप जुड़े, आपको जानकारी लगातार आस्था टीवी के ऊपर, वैदिक टीवी के ऊपर आपको मिलती रहेगी। तो अब आज के सत्र को विराम देता हूं। आप सबने बहुत ध्यान से सुना और हम शहीदों की तरह शहीद नहीं हो सके तो कम से कम 10% शहीद बन जाएं कि अपने सुख को कम से कम 1-10% हम अपने देश के, समाज के कल्याण में लगाएंगे। आप सब तो लगा रहे हैं, जो नहीं लगा पा रहे उनको प्रेरित करने के लिए आप अच्छे विचारों का सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने सुना उसके लिए धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे, वंदे।